पूरी। तो मैं सबसे पहले टिक्कियों का पानी बना रही हूँ। तो मैंने ये कैरी ली है, 3 कैरी ली है, उनको बॉईल कर लिया है, ये देखिए अच्छे से। और इनका जो पानी निकला था जिसमें बॉईल किया था, ये देखिए ये पानी है उसी का। इसको हम एक भगोनी में डाल देंगे, ये होगा 1 लोटा पानी होगा ये। तो इसमें हम ये कैरी का ये जो है इसको भी अलग से इसमें एक कटोरे में डालकर इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, 1 गिलास पानी। और इसको अब अच्छे से, मेरे हाथ धुले हुए हैं तो मैं इसको अच्छे से इस तरीके से मैश करूँगी। ये गुठलियाँ हम निकाल देंगे, हटा देंगे अलग से। ये जो इसमें जो पल्प रहता है यही कैरी का पानी बनता है, इसी से टिक्कियों का पानी। तो इस तरीके से हम इसको अच्छे से निकाल देंगे, ये देखिए। इसको और पानी डालेंगे हम, इस तरीके से हम इसको निकाल देंगे, सारे जो छिक्कल रहते हैं ना उसके ऊपर उसको। ये देखिए ये कितना पल्प निकला इसका, ये गुठलियाँ हैं इसको भी निकाल देंगे। ये देखिए अब इसको भी हम पानी डालेंगे अच्छे से। उनको हाथ से ही बनाया जाता है, हाथ वॉश करके अच्छे से, और आप हाथ से ही इसको बनाएं। तो ये देखिए ये सारा इनका जो गुठली वगैरह ये निकाल दिया मैंने, अलग कर दिया है। अब इसको भी हम इसी में जो पानी बचा था जिसमें कैरी को बॉईल किया था उसी पानी में हम ये डाल देंगे सारा। ये देखिए ये मैंने कम से कम 3 लोटे पानी दिया है। आप जितना भी पानी लें उतना ही कैरी का पना जितने अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। अब मैं इस पानी में मिलाने के लिए कुछ सामान ले रही हूँ। तो मैंने ये एक गड्डी ली है पुदीना की, और 4-5 हरी मिर्च लिए हैं। आप मिर्च अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितना तीखा पानी खाना हो उस हिसाब से पीना हो टिक्कियों में। तो ये मिर्च हम एक बॉल लेंगे मिक्सर का, और उसमें हम हरी मिर्च इस तरह तोड़ के डाल देंगे। तो हमें इसमें ग्राइंड करना है पानी डालकर। और अब इसमें मैं डाल दूँगी पुदीना की गड्डी जो है, इस तरीके से पत्तियाँ तोड़ना है आपको, इस तरीके से डालना है। मैंने अच्छे से वॉश कर ली है ये पत्तियों को, और इस तरीके से सारी पुदीना की पत्तियों को हमें इस तरीके से मिक्सर में, मैंने मिक्सर के जार में सारी पत्तियाँ तोड़ ली हैं। और अब हम इसमें मिला रहे हैं थोड़ा सा कुछ मसाला। तो मैं इसमें काला नमक मिला रही हूँ, रस में रस बनाना है पानी पूरी का। तो ये देखिए मैंने 1 चम्मच, अपने स्वाद अनुसार आप नमक डाल सकते हैं। और अब ले रही हूँ सफ़ेद नमक, तो ये कम ही डालना है, काला नमक जितना अपने स्वाद अनुसार आप डाल दीजिए। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा, जो मैंने तवे पे भूंज लिया था और उसको अच्छे से पीस लिया है। तो ये जीरा डाल रही हूँ, इसको अच्छे से मिलाएंगे हम। देखिए हमारा रस कितना अच्छा लग रहा है। और अब इसको मैं, ये देखिए मैंने मिक्सर में इसको पानी डालकर देखिए ग्राइंड कर लिया, और ये सारा हम इसमें डाल देंगे। तो इसमें इतना अच्छा कलर बन जाएगा, बिल्कुल पानी पूरी वाला कलर। इसमें थोड़ा सा पानी और हम डालेंगे, इसमें जो देखिए ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है, बिल्कुल ठेले वाले का रस जैसा। ये देखिए हमारा रस अब तैयार है बनकर। अब हम बनाएंगे टिक्कियाँ और मीठी चटनी इमली। देखिए मैंने आलू बॉईल कर लिए हैं, और इसमें मैंने लाल मिर्च डाली है, और अब थोड़ा सा काला नमक डाल रही हूँ आलू में, अपने स्वाद अनुसार आप नमक डाल लीजिए और मिर्च भी। ये देखिए अब इसको अच्छे से हम मिलाएंगे, और मैंने मैश भी कर लिए हैं आलू को बॉईल करके। देखिए और ये हमारी पानी पूरी तैयार है, तो ये ठेले वाली। देखिए हम पहले सबसे पहले दही फुल्की लगा रहे हैं। तो हमने सबसे पहले आलू लिया है, ये मैंने जो मिर्च वगैरह डाली है आलू में, खूब सारा आलू डालना है हमें, जैसे टिक्कियाँ वाले देते हैं। प्याज डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ, और अब इसमें मैंने घर का दही है जी, मैंने घर का दही बनाया है, इसमें दही डाल रही हूँ। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ मीठी चटनी। ये हमारी बन गई दही टिक्कियाँ, और अब इसमें डाल रही हूँ आलू भुजिया।
जो हमारे ये देखिए, और थोड़ा सा प्याज और डाल रही हूँ। तो ये हमारे ठेले वाले जो दही टिकिया देते हैं ना, उस टाइप से। तो ये देखिए, अब मैं बना रही हूँ पानी पानी वाली फुल्की। तो उसमें मैं आलू डाल रही हूँ इस टाइप से, और थोड़े से प्याज डाल रही हूँ, और अब मीठी चटनी डाल रही हूँ उसमें इस टाइप से। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ जो मैंने रस तैयार करा है, पानी पूरी का रस डाल रही हूँ। देखिए, और इसका टेस्ट भी बिल्कुल पानी पूरी जैसा है, ठेले वाले जैसा है।